ओम सबको नमस्ते। ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है। फिर भी मैं हिंदी में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको एक क्लिपिंग जो है वो मैं अभी प्ले करूँगा, उसके लिए जवाब देना चाहता हूँ ताकि आप दर्शकों को ये ज्ञान हो जाएगा कि वेदों में क्या है। जैसे मैंने सारे वीडियोस में कहा है, जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया इस आयु में मेरे गुरु महाराज जी स्वामी रामस्वरूप जी योगाचार्य, उनके शरणों में रहकर। वे अष्टांग योगी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। वे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से वो वेद का ज्ञान सारे संसार को वहाँ से दे रहे हैं। कोई भी श्रद्धालु उनके पास जा सकते हैं वेद के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। चलें अभी हम वीडियो में चलते हैं। मनुष्य नहीं वेद प्रभु वाणी है, आओ लौट चलें उस देश जहां मुनि वेद सुनाते हैं। अभी आप एक क्लिपिंग देख लीजिए। ये क्लिपिंग जो है मैं 2-3 दिन पहले YouTube में देखा था, फिर मैंने सोचा कि इसका जो उत्तर है वो भी मैं हिंदी में दूं, क्योंकि ये क्लिपिंग भी हिंदी में है। मैं इंग्लिश में भी इसके रेफरेंस में एक वीडियो डालूंगा। पहला आप क्लिपिंग देख लीजिए। यज्ञ होने वाला था जिसके द्वारा ही मनुष्य के जीवन में, संपूर्ण मनुष्य के जीवन में धार आने वाली बात थी। उस बात में मैं ले चलता हूं कि वेदों में यह बात लिखा है, बयान करता है, यज्ञो वे भुवः नाभिः। यज्ञ जो है वो पूरे समस्त मानव जाति के लिए एक नाभि के समान है। और आपको मैं ये फैक्ट में ले चलता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से भी इज़राइल जो है पूरे विश्व में नाभि के रूप में जाना जाता है। आप अगर भौगोलिक दृष्टि से भी उसको माप करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो जिस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसेड किया गया, बलिदान किया गया, उसकी उनको सजा दी गई, वो जगह जो है पूरे विश्व की भौगोलिक हिसाब से नाभि का जगह है। जो अभी मैं पढ़ा कि ऋग्वेद उसका पहला भाग उसका 164 और उसका 35 मंत्र में लिखा है कि यज्ञो वे भुवः नाभि। उसी प्रकार शायद आपने देखा होगा, इसमें एक रेफरेंस की जा रही है एक मंत्र की, ऋग्वेद प्रथम मंडलम, मंडल नंबर 1, सूक्त नंबर 164, 164, मंत्र संख्या 35। तो पहले इस मंत्र को देखने से पहले, इस मंत्र में उन्होंने सिर्फ तीन शब्दों को यूज़ किया, फिर भी ये मंत्र को देखने से पहले हमको ये समझना है वेद क्या है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में वेद के बारे में, हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया था, फिर भी हमको ये समझना है कि वेद क्या है और वेद को जानने के लिए हमें क्या करना है। पहले चीज़ें, वेद किताब नहीं है। आपके ग्रंथ जो है, आपके जो धर्म का, दूसरे जो धर्म का ग्रंथ जो है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके बारे में मैंने सनातन धर्म में इंट्रोडक्शन किया था। वेद वेद छोड़कर कोई भी ज्ञान जो है वो किताब के रूप में है, क्योंकि उस किताब को मनुष्यों ने लिखा, ऋषि मुनि मनुष्यों जो भी है। तो वेद किताब नहीं है। वेद जो है निराकार ईश्वर से निकली हुई अनंत नित्य वाणी है, जो आज भी ऋषि मुनि उनके चरणों में जाकर हमको प्राप्त करना होगा। तो वेद जो है वो किताब नहीं है पहले। दूसरा जो है, वेद को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? आचार्य चाहिए, जो चारों वेदों के ज्ञाता है, समाधिस्थ पुरुष है, जिन्होंने वेदों को अपने अंदर अनुभव किया है समाधि समाधि के अवस्था में। वैसे आचार्य के पास हम पहुँच कर उनको सेवा करके, उनको तृप्त करके, उनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप वेदों को समझने के लिए, आपको किताब भी अगर आपके हाथ में है कि एक मंत्र दिया है उसके नीचे मीनिंग दिया है, ऐसा थोड़ी समझ आएगा। वेद वेद को समझने के लिए हमें वेदांग जो है, वेद को जो 6 अंग होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष वगैरह, वो 6 अंग को अध्ययन करना पड़ता है गुरुकुल सिस्टम में, गुरु के पास जाकर, तभी हम वेद मंत्र के लक्ष्य को समझने में काबिल होंगे। तीसरी बात जो है,
ये वेद जो है क्यों किताब नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में चार ऋषि के अंदर उनके हृदय में ईश्वर ये वेदवाणी प्रकट करते हैं। ईश्वर अपने सामर्थ्य से अपने ताकत से चारे चारों ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है, किताब के रूप में लिख के नहीं देता है। इसलिए वेद किताब कभी भी नहीं है। और ये वेद में, और एक वीडियो कल की अवतार के बारे में मैंने बताया, वेद में कहीं भी किसी का नाम नहीं है, किसी का भी कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद अनादि है। इस सृष्टि खत्म होने के बाद, प्रलय के बाद, अगले सृष्टि में भी वेद का ज्ञान वैसे के वैसे ही ईश्वर से निकलेगा, चार ऋषि के हृदय में। इसलिए वेदों में सिर्फ चार नाम हैं, जो चार ऋषि का, हर सृष्टि के आरंभ में उनके चार ऋषि का नाम स्वयं ईश्वर ही रखते हैं कि अग्नि, वायु, अंगिरह, आदित्य। ये चार ऋषि का नाम कभी चेंज नहीं होते हैं। उसके अलावा वेद में कहीं भी नाम नहीं है किसी का। वेद में ईश्वर का नाम है, ईश्वर का तो अनंत नाम है। हर एक नाम का वर्णन वेद में ईश्वर ने खुद दिया है, बाकी किसी आदमी का नाम वेदों में ईश्वर ने नहीं दिया है। और जो समझना है कि वेद में प्रोफेसी नहीं है, जैसे आपने जो कहा है भविष्य भविष्यवाणी हुई है, वेद में भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि वेद ज्ञान है। विद विद संस्कृत धातु, विद धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, उसका अर्थ है ज्ञान। इसमें प्रोफेसी नहीं है, इसमें स्टोरीज नहीं है, कहानी नहीं है। तो ये बात आप ठीक से समझें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जीसस या बाइबल की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना है, तो आप अपने ग्रंथों को रेफरेंस दीजिए। आप ये रेफरेंस मत दीजिए कि वेदों में ऐसा कहा है, क्योंकि आपको भी वेद नहीं मालूम है, और जो कोई भी देखेगा उसको मानेगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि देखने वाले को भी वेद नहीं मालूम है और बोलने वाले को भी नहीं मालूम है। तो आपको तो वेद मालूम ही नहीं है, आप जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ। इस मंत्र में जो है, ओम इयम वेदी परो अंतः पृथिव्या अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, अयम सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो, ब्रह्मायं वाचः परमं वयोम। ये मंत्र है 35। ये जो है, ये इसके पहले मंत्र 34 जो है उससे रिलेटेड है। उसमें ईश्वर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसको जवाब यहाँ दे रहे हैं। और हम सबको ये समझना है कि यज्ञ का अर्थ इंग्लिश में सैक्रिफाइस, जो किसी ने ट्रांसलेशन किया है कुछ कुछ 200 300 400 साल पहले, जो भी है वो गलत है। यज्ञ का अर्थ सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि इस सेक्रीफाइस से ही सब लोग ने गलत इंटरप्रेट करके, यज्ञ में पशु बलि भी है, यज्ञ में नर बलि है, यज्ञ में और मैंने एक वीडियो देखा था उसमें प्रजापति को रेफर करके, ये प्रजापति जो है जीसस क्राइस्ट को रेफर कर रहे हैं, इसमें भी सेक्रीफाइस हो रहे हैं। ये सब गलत इंटरप्रिटेशन, सेक्रीफाइस का जो इंग्लिश वर्ड है ना, इसके वजह से हुआ है। यज्ञ का अर्थ सेक्रीफाइस नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप अग्निहोत्र जो है फायर सेक्रीफाइस कह सकते हैं। फायर सेक्रीफाइस का मतलब ऑफरिंग आहुतिज इन बर्निंग फायर। आहुतिज का मतलब ये हो कि घी हो गया, सामग्री हो गया, समिदा हो गया, ये सब सेक्रीफाइस, ये सब हम आहुति डाल रहे हैं, इसको सेक्रीफाइस कह सकते हैं। यज्ञ का अर्थ सेक्रीफाइस नहीं है। यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगति करणम दानेषु इति यज्ञ है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, पर यहाँ पर ये नहीं कहा कि यज्ञो भुवनस्य नाभिः का मतलब जीसस क्राइस्ट का सेक्रीफाइस हुआ है इसराइल में। भुवनस्य नाभिः का मतलब, भुवन का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये अर्थ है। भुवन का मतलब ये संसार है, ये पूरे सृष्टि है, गैलेक्सियाँ हैं, इसमें स्टार्स है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसा बिलियन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, इतना बड़ा संसार का नाभि जो है वो यज्ञ है। यहाँ पर ईश्वर ने इसका जो, आप कोई भी मंत्र आप पढ़ते हो ना, उसका आप देवता देखो, इसका देवता है विश्वे देवा। यहाँ पर जो देवा है, विश्वे देवा मतलब जड़ देवता, तो इसका मतलब ये मंत्र में ईश्वर सृष्टि रचना के बारे में पूछ रहे हैं, और सृष्टि रचना का रहस्य दिया है इस मंत्र में। इस मंत्र में जीसस क्राइस्ट का सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने गलत ट्रांसलेशन किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो डालकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस मंत्र में जीसस क्राइस्ट इस मंत्र में नहीं है। कोई भी मंत्र में, वेदों चारों वेदों में कोई भी मंत्र में किसी भी आदमी का नाम नहीं है, किसी भी मनुष्य, किसी भी ऋषि मुनि,
चार ऋषि छोड़कर किसी भी ऋषि मुनि का भी नाम नहीं है, रामकृष्ण का भी नाम नहीं है। तो किसी और वीडियो में देखा था, उसमें रामकृष्ण वेदों में नहीं है, रामकृष्ण मतलब औषधि का नाम दिया है अथर्ववेद में, ये रामकृष्ण का जो भविष्यवाणी नहीं हुई वेदों में। तो और एक आपने कहा कि इसको बोवनस या नाभि के बारे में आपने कहा कि इसराइल इज द सेंटर ऑफ दिस अर्थ। प्लीज़ नोट, इसराइल सेंटर ऑफ अर्थ नहीं है, सेंटर ऑफ द अर्थ हमेशा कोर होता है, क्योंकि अर्थ जो है ना गोल है, अर्थ इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। अर्थ अगर फ्लैट होता है आपके बात सही हो सकता है, अर्थ इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अर्थ के सेंटर हमेशा कोर होता है, सरफेस में नहीं होता है। तो वैसे भी जैसे कहते कि स्वर्ग लोकम, ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, ऋग्वेद में भी स्वर्ग लोकम आता है। स्वर्ग लोक का मतलब है सूर्य का नाभि जो है वो सेंटर कोर पोर्शन को स्वर्ग लोक बोलते हैं। तो ये संस्कृत ना जानने के वजह से ऐसा गलत इंटरप्रेशन होते हैं, इसके इसके आप फायदा उठाते हैं, लोग जो देखते हैं वो लोग भी समझते हैं कि हाँ शायद आप सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ये आप प्लीज़ सुधार कीजिए। क्योंकि ईश्वर ने अथर्वेद में वार्निंग, एक तरफ से वार्निंग दिया कि वेदों को अपने फायदा के लिए गलत इंटरप्रेट, गलत यूज़ मत करना, ये ईश्वर के वार्निंग है, और जो भी ऐसा करेगा उसको सजा देगा ईश्वर। तो हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब वेदवाणी के बच्चे हैं, हम वेदवाणी को ठीक तरह से जानें, कोशिश करें। अगर आप भी अगर वेद आप वेद जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, vedmandir.com, हमारे गुरु महाराज से सवाल कीजिए, आपको जो भी डाउट्स है वो सब आप हमारे गुरु जी आपको क्लियर कर देंगे, वेदों में क्या है वेदों में क्या नहीं है। तो मैं बस यही छोटे से वीडियो डालना चाह रहा था कि आपको भी समझ आ जाए कि वेदों में सच्चाई क्या है। बाकी आपने जो रेफ़र किया है पुराने के बारे में, पुराणों के बारे में, उसका मैं अभी बात नहीं करूँगा, उसके पहले ही मैंने कल्कि अवतार, कल्कि पुराण के बारे में बता चुका हूँ, उसमें भी पुराण के बारे में मैंने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया है, आप वो देख सकते हैं। बाकी आप सब लोग जो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो कोई वेदों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते, ओम।